असलमेक कैसे हो आप लोग आई होप सब ठीक हो गए तो संडे का मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो अच्छा सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर लूँगी ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ मैं अपने लिए मुझे बहुत मन कर रहा था हस्बैं को इतने ख़ास पसंद नहीं है बस एक आध खाते लेकिन मुझे बहुत पसंद है फ्रेंच टोस्ट तो यहाँ पर अंडा दूध और थोड़ी से ड्रॉप्स मैंने डाल दिए थे वनीला एसेंस के और ये अच्छा सा मिक्सचर बना लिया था फेंट कर अब यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है और अब फ्रेंच टोस्ट इसमें हम सेक लेंगे तो एक एक ये ब्राउन ब्रेड लिया है इसको डिप करेंगे अच्छे से दूध अंडे वाले मिक्सचर में और बहुत अच्छे से डिप करेंगे पूरा सोक कर लेना है ब्रेड को और फिर फ्राई कर लेंगे हम उस बटर वाले पैन में आगे पीछे दोनों साइड से सेक लेना है इतना मज़ेदार किस्म का रेडी हो जाता है ना मुझे फ्रेंच टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है बिल्कुल पच्ची फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा मीडियम फ्लेम पर एक आध मिनट एक साइड से पकाऊंगी जैसे ही लगेगा पक गई है साइड तो फिर इसकी चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी पका लूँगी अच्छा जो ये अंडे और दूध वाला मिक्सचर है ना उसमें आप चाहो तो चीनी भी ऐड कर सकते हो लेकिन मुझे ये जो फ्रेंच टोस्ट है ना वो माइल्ड से मीठे ही अच्छे लगते तो जो दूध की मिठास आती है ना वही मेरे लिए काफ़ी रहती है अगर मुझे लगता है तो फिर मैं हनी ड्रिजल करती हूँ और ना ऐसे ही खा लेती हूँ बहुत अच्छे लगते हैं तो ये जी हमारी क्विक इंस्टेंट फ्रेंच टोस्ट रेडी है और हस्बैंड के लिए मैं फटाफट से ऑमलेट बना दूंगी तो यहाँ पर मैंने अंडे में डाल दिए है टमाटर प्याज़ हरी मिर्ची और नमक बस इतनी चीज़ें डालकर अच्छे से फेंट लिया है और पैन में थोड़ा सा बटर मेल्ट करने के बाद मैं ऑमलेट बना लूँगी बस सिंपल सा तो ये जी हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी है रोटी तो मैंने सुबह उठकर पहले ही बना ली थी हसबैंड के लिए ताकि वो ऑमलेट के साथ खा सके और संडे था ऑफ डे था तो ये दिन ना ज़्यादातर हस्बैंड घर के उन कामों पर ध्यान देते हैं जो ना जिनको मरम्मत की जरूरत होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चों के कपड़े सुखाने वाला हैंगर है आमिना के बाद से ये है अब क्या हुआ ना कि इसकी सारी जो क्लिप्स है एक एक करके टूट कर निकलने लगी सारी क्लिप्स निकल गई है तो बस ये बाजार से दो पैकेट लेकर आए थे क्लिप्स के आ, बीस रुपए के आ गए थे अभी नया हैंगर लेने जाए ना हम बस क्लिप टूटी है उसकी वजह से तो फिर ये दो सौ का आता है लेकिन घर पर इस तरह से थोड़ी सी मरम्मत करने के बाद ये बस बीस रुपये में काम हो जाता है तो और ये हैंगर इतना काम का है ना क्योंकि हमारा जो रेगुलर स्टैंड है कपड़े सुखाने का उस पर इतने सारे कपड़े फुल हो जाते हैं कि आमिना के नहीं आते तो मैं थोड़े दिन से परेशान थी लेकिन अब बस इसकी मरम्मत हो गई है ये काम में आ जाएगा अच्छा जी अब यहाँ पर मैं डिनर बनाने के लिए आ गई हूँ आप भी सोच रहे होगी कि डायरेक्टली डिनर ही लंच कहाँ गया तो लंच मेरा बन गया था सिंपल से मैंने कीमा पुलाव बनाया था लेकिन जो ये डिनर की रेसिपी है ना इतनी धमाकेदार है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये होल चिकन लेकर आए थे हस्बैंड इसको मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूँगी इसकी कैविटी वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लूँगी धोकर और ये चिकन का वज़न ना एक किलो सात सौ ग्राम है ऐसी रेसिपी बता रही हूँ ना आज मैं आपको क्या आप बनाओगे ना घर पर अगर सेम टू सेम फॉलो कर कर तो आपका दिल खुश हो जाएगा दुआएं दोगे आप ठीक है तो ये मैंने अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लिया चिकन को क्लीन कर लूँगी अब अच्छे से वॉश करने के बाद चिकन में मैंने तीन चम्मच भर कर ना डाल दिया है ये सफ़ेद सरका ये ब्राइनिंग कर रहे हैं हम बेसिकली ये स्टेप को ब्राइनिंग कहते हैं इससे क्या होता है ना सफ़ेद सरका या आप चाहो तो नींबू भी डाल दो एक आध अच्छे से निचोड़ के तो चिकन के पोर्स खुल जाते हैं और जब आप आगे मैरिनेशन के लिए मसाला डालोगे ना हर एक अंदर तक पहुँचेगा और फ्लेवरफुल बनेगी आपकी चिकन तो ये जो सारे टिप्स हैं ना अगर आप फॉलो करते हो ना ऐसी चिकन आपकी बनेगी बिल्कुल जूसी सॉफ्ट और मज़े की बस तो ये यहाँ पर बज रहे थे साढ़े और ये घर का हाल मेरा लंच वगैरह सब कुछ बन गया था लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं था मेरा घर संडे को ऐसा ही रहता है थोड़ा रिलैक्स डे होता है तो फिर मैं भी इतना ना ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान नहीं देती हूँ और बस जी ये चिकन को मैंने ब्राइन करने रख दिया था सफ़ेद सरके में और यहाँ पर मैं रोटी के लिए लगाने लगी हूँ आटा क्योंकि डिनर में हम ये चिकन जो है वो रोटी के साथ ही खाने वाले हैं तो ये आटा मैं फटाफट से लगा लूँगी तो 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 बस जी ये आटा लग गया है इसे ढककर मैं रेस्ट के लिए रख दूंगी और बाद में फ्रिज में जाएगा क्योंकि शाम को बनानी है रोटी अब ये जो हमने सरका डालकर रखी थी ना चिकन इसको अच्छे से हमें धो लेनी है ताकि इसके ऊपर का सारा सरका जो है वो निकल जाए चिकन अच्छे से क्लीन हो गई ब्राइन हो गई और अब हम इस पर मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं तो अब बेसिक से तीन मसाले डालूंगी सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्ची का पेस्ट और नमक तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तीन टेबल स्पून भरकर डाला है एक टी स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट आप देख लेना आप कितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्चों की क्वान्टिटी आप एडजस्ट कर लेना और फिर यहाँ पर नमक डाल दिया एक टी स्पून अभी मैं नमक कम डाल रही हूँ बाद में लास्ट में देखूँगी मुझे ज़रूरत लगेगी तो डाल दूँगी ये तीनों चीज़ों को इतने अच्छे से आपने मसल लेना है चिकन में हर एक कट्स में मसाल लेना है और आगे पीछे चिकन चिकन की कैविटी में में सारी जगह पर ये मसाले को लगा लगा देना है अच्छा कट्स लेना ताकि अंदर तक मसाला जाए और यहाँ पर अभी मैं दो चम्मच भरकर डाल रही हूँ घर पर ही बनाया हुआ गरम मसाला इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और ये तेरह खड़े गर्म मसाले से बनाए तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा खुशबूदार जायकेदार ये मसाला होगा मेरा फेवरेट है हर चीज़ को इतना जबरदस्त टेस्ट दे देता है ना तो मैं यही यूज़ करती हूँ हो या इस तरह की चिकन की रेसिपीज अच्छा यहां पर मैं दो टीस्पून जरा जीरे को सेक लूंगी भून लूंगी पैन में तो ये जो हमने मसाला डाला है उसमें तो ज़ीरा है ही लेकिन जब आप इस तरह से अलग से जीरे को भून कर डालते हो ना तो इस चिकन में स्पेशली अलग ही टेस्ट आता है तो ये मैंने डाल दिया डायरेक्टली भून कर मिक्सी के जार में दस से बारह काजू डाल देना ये पीनट्स इधर उधर मसाले के डिब्बे में घूम रहे थे ना तो मैंने ऐसे ही डाल दिया ऐसा चिनकी ज़रूरत नहीं है एक मुठ्ठी भरकर मैंने हरा धनिया लिया है हरा धनिया ना इस रेसिपी की जान है तो अच्छे से एक मुठ्ठी भरकर डाल दिया है मैंने सौ ग्राम दही डाल दिया है और ये कोकोनट लिया था आधा शैल इसमें से मैं थोड़ा सा बस बचा लूंगी आप कह सकते हो मैंने ऑलमोस्ट आधा ही यूज़ किया है इसमें कोकोनट तो ये थोड़े तो थो छोटे छोटे पीसेस करके मैंने ये भी डाल दिया है अगर आप ग्रेवी कम करना चाहते हो ना क्योंकि ये रोटी के साथ हमें खानी है तो इसलिए मैंने ग्रेवी इसकी ज़्यादा रखी थी अगर आप इसे स्टार्टर के तौर पर बना रहे हो या थोड़ी सूखी बनाना चाहते हो ग्रेवी इतनी नहीं चाहिए तो दही हरे धनिए और कोकोनट की क्वान्टी बस सिंपली कम कर देना अच्छा ये मेरा गंदा सा कैमरा बंद हो गया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैंने उसका मिक्सचर बनाया कोकोनट दही और हरे धनिया का बिल्कुल बारिक सा पीस लेना है और जैसे ही पेस्ट बन जाए पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है वो ऐसे ही पीस जाएगा चिकन में आपने ऐड कर देना है मैंने वो पेस्ट डालने के बाद आधा टी स्पून उसमें हल्दी डालकर आधा नींबू भी निचोड़ दिया था तो बस इतनी ही चीज़ मैंने की थी आई होप आपको समझ आ गया होगा तो अब ये सारे मसाले को हमें चिकन पर बहुत अच्छे से लगा देना है ये सुबह लेकर आए थे हस्बैंड चिकन तो मैंने इसे छः घंटे पूरे दिए थे मैरिनेट होने के लिए अगर रात में ही मिल जाती ना रात में मिली नहीं थी चिकन तो इसलिए इस सुबह लेकर आए वरना ये जो चिकन की रेसिपीज होती है ना उन्हें मैं रात से ही मैरिनेट करने रख देती हूँ तो ओवरनाइट जब मैरिनेशन होती है ना तो बहुत मज़े की बनती है लेकिन खैर मैंने छः घंटे काफ़ी दिए थे इसे तब भी ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी तो चिकन के लिए दूसरी टिप यही है कि आप इसे अच्छे खासे वक्त के लिए ना मैरिनेट करो अच्छा अब यहाँ पर यह आप ब्रेस्ट का साइड देख रहे हैं ना इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक टी पपीते का कच्चे पपीते का पेस्ट जब चिकन बनाते हैं ना तो ज़्यादातर ये जो ब्रेस्ट का साइड रहता है ये थोड़ा सा रूखा सूखा लगता है और सॉफ्ट नहीं लगता तो ये कच्चा पपीता जो है ना ये इसके हार्ड फाइबर्स को ब्रेक डाउन कर देगा और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हमारी चिकन बनेगी तो बस मैंने चिकन को धक्कर मैरिनेट करने रख दिया है आराम से छः घंटे में रखूँगा और यहाँ पर लगभग चार बज रहे थे और मैं डिनर के लिए फ़टाफट से रोटी डाल लूँगी क्योंकि फिर मगरब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें घूमने भी थोड़ा जाना होता है तो तब वक्त नहीं मिलता है तो बस ये फटाफट से डिनर के लिए मैं रोटी बना लूँगी अच्छा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई थी अब इसमें एक लास्ट स्टेप करेंगे ताकि वो तंदूर वाला स्मोकी सा फ्लेवर आए तो यहाँ पर मैंने गैस पर रख दिया था एक कोयला गर्म होने के लिए पंद्रह मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी अच्छे से वाइट हो जाएगा ना फिर हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर आपको बचपन याद दिला देती हूँ चलो मैं तो ये मुमरे को मैंने पीले कर लिए हैं बस नमक तेल में नमक और हल्दी डालकर ये बचपन में बहुत खाया करते थे अभी भी हस्बैंड और आमिना को इतनी पसंद है ये सारी जो बड़ी कढ़ाई मैंने रखी ना ये साफ़ हो जाती है इतने पसंद है ये आमिना और हस्बैंड को तो टेरेस पर बैठे वो मैं दे दूंगी और पाँच दस मिनट मैं भी टेरेस पर बैठ कर आ जाऊंगी नीचे और बस ये कोयला गर्म हो गया था तब तक तो कटोरी में रख दिया है और इसके ऊपर कुछ बूंदे ऑयल के डालकर इसे मैं अच्छे से ढक कर रख दूँगी पंद्रह बीस मिनट के लिए तो बड़ा मज़े का इसमें चिकन में स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा जैसे रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं ना वैसा ही मज़े का टेस्ट आ जाएगा एक्चुअली ये जो चिकन बनती है ना ये रेस्टोरेंट से कई ज़्यादा गुना अच्छी बनती है घर में बनाते हो इतनी किफ़ायती पड़ती है ये हज़ारों रुपए की आप खाओगे बाहर लेकिन वन फोर्थ प्राइस में आप घर पर खाते हो और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ये आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को अच्छा पंद्रह बीस मिनट के बाद अब हम इसे पकाएंगे तो ये मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और ये चिकन की रेसिपी में ना कोई ऑयल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो बस फॉइल पेपर को आप कुछ भी ले लो पतीला ले लो कढ़ाई में बना सकते हो बड़ी सी आपकी मर्जी ये मैंने बड़ा सा पतीले जैसा पैन ही लिया है और इसके अंदर फॉइल पेपर को इस तरह से प्लेस कर दिया अब चिकन को रख देंगे हम और इसी के साथ जो सारा मसाला है ना वो भी मैं डाल दूंगी और ये मसाले को अच्छे से इवनली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी सारी चिकन में तो जो लेग पीसेस है उस पर भी मसाला डालूंगी आगे पीछे सारी जगह पर ये ग्रेवी वाला मसाला होना चाहिए तो ये डालकर बस अब हम फॉइल से दोबारा से इसे ऊपर से कवर करेंगे हर साइड से ये फॉयल से कवर होनी चाहिए चिकन आगे 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 आगे। तो बस ये चिकन बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई है अगर आप चाहो ना तो एक प्लेट में भी अच्छे से व्रैप कर सकते हो आप इस फॉइल में और बाद में पतीले में रख देना खैर यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया इस पैन को चिकन के साथ और पाँच मिनट में हाई फ्लेम पर रखूँगी बाद में इसकी मीडियम लो फ्लेम पर हम चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन बिल्कुल अच्छे से गल जाए लगभग पच्चीस मिनट लगे थे इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाने में लगभग 10-12 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया और अब हम इसे एक ही साइड से नीचे से ही पकती है ना ये तो फिर इसे दूसरी साइड से भी पकाना होता है तो ये मैंने पैन में डाल दी है इसको इस तरह से फ़्लिप कर देनी है बस तो पैन में फ्लिप कर दी और इसको अब स्लाइड करते हुए हम दोबारा से इसी पैन में डालेंगे लेकिन अब ये दूसरी साइड हो जाएगी चिकन की तो एक बार ये ब्रेस्ट की साइड से पकी अब दूसरी बार ये लेग पीसीस जो है जो पीछे की साइड है चिकन की वो साइड से भी पकेगी तो ये मैंने दोबारा से रख दिया इसे ढककर पकने के लिए और जी ये 25 मिनट के बाद हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है आप चाहो ना अगर चेक करना हो तो फ़ॉइल थोड़ा सा कट करके ऊपर से नाइफ इंसर्ट कर देना तो आपको पता लग जाएगा कि चिकन गली है या नहीं इजीली अगर अंदर तक जा रही है चिकन के तो मतलब ये अच्छे से गल गई है और ये देखिए ये हल्का फुल्का इसमें से पानी निकलता है ना वो नॉर्मल है क्योंकि दही चिकन खुद पानी छोड़ते हैं अपना तो इट्स ओके और ये यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन की रंगत और ये देखिए ये ब्रेस्ट का साइड कितना ज़्यादा जूसी और मुलायम हो गया है ना हमने इस तरह से इसे ब्राइन किया है मैरिनेट है और पपीते का पेस्ट भी डाला है तो ये सारी टिप्स ना बहुत यूज़फुल होती है एक जूसी और अच्छी सी वेल मैरिनेटेड चिकन के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त के रेडी होती है जरूर ट्राई करना आप अच्छा जी डिनर हो गया था हम बाहर घूम कर भी आए थे संडे था तो और यहाँ पर मैं लेकर आई थी फैमिली पैक आइसक्रीम का तो मुझे बहुत मन कर रहा था कि ब्राउनी खाऊँ मैं तो यहाँ पर मैं जुगाड़ लगा रही हूँ और ये मैं चीज़ ना अक्सर करती हूँ तो जब भी मुझे क्रेविंग्स होती है ना ये चॉकलेट पैनकेक्स में बना लेती हूँ बहुत दस मिनट में बन जाते हैं और ये ओट्स के बनाती हूँ मैं मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी रेसिपी भी दी है मेरे फेवरेट है ये पैनकेक्स इतने सॉफ्ट बनते हैं इतने फ्लफ़ी बनते हैं ना तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि जो फैमिली पैक लेकर आई थी ना आइसक्रीम का उसकी थोड़ी सी पोर्शन मैं डाल दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप भी डाल दूँगी तो बस ये घर पर दस मिनट में ना मेरा मेरी जुगाड़ो ब्राउनी रेडी है ये बिल्कुल ब्राउनी जैसी लगती है आप जब खाओगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ब्राउनी के अलावा कुछ खा रहे हो बिल्कुल ब्राउनी लगती है ये बहुत ज़बरदस्त लगती है इंस्टेंट सी है बिल्कुल और ये देखें आप इसका टेक्स्चर वगैरह मज़ा आ जाता है खाने में हम बहुत कम बाहर का खाना खाते हैं दो महीने में लगभग एक बार ही खाते होंगे तो घर पर ही हम प्रिफर करते हैं और हस्बैंड बहुत बारी कहते हैं कि आज हम डिनर बाहर करेंगे बाहर करेंगे लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता मैं घर पर ही बनाती हूँ मुझे बनाना एक तो कुकिंग मुझे पसंद है ना तो वो हिसाब से मैं घर पर अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ और हम सब्र से खा लेते पैसे भी बचते और बस मज़ा आता है घर पर घर की बात ही अलग होती है आउटिंग वगैरह करने हम चले जाते हैं बाहर इस तरह घूमने फिरने चक्कर लगाने आमिना को अच्छी अच्छी जगह पर खेल लगाने वगैरह लेकिन जो डिनर वगैरह है ना वो हम घर पर ही करते हैं हमारा संडे के दिन ये फिक्स है अच्छा रात हो गई थी हम फ्रेश वगैरह हो गए घूम फिर कर आए थे घर पर ब्राउनी भी खा ली और ये आमिना बस थोड़ी सी ऑयल मसाज ले रही है उसके अब्बू से ये लड़की ना कभी मेरे हाथों से तेल लगाना पसंद ही नहीं करती है इसके अब्बू जब लगाते तो एक जगह पर बैठ खुशी से लगा लेती है पता नहीं मेरे हाथों में क्या दिक्कत है अच्छा आमिना को सुलाने के बाद मैं यहाँ पर लास्ट रूम में आ गई हूँ क्योंकि जो सोफ़े वाला रूम है आगे का इतना बिखरा पड़ा हुआ है इतना मैस है सारा आमिना के टॉय से भरा हुआ है वो मैं बाद में निपटाऊंगी लेकिन पहले मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना था और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे होम टूर का वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इन नेक्स्ट वीडियो में वही करने की कोशिश करूँगी ये लास्ट रूम में मैं जब आकर बैठती हूँ ना मुझे इतना सुकून मिलता है क्योंकि ये जो घर में ये एक ही रूम है जहाँ पर इतनी शांति होती है इतना सुकून होता है और ठंडक भी ज़्यादा होती है ये रूम में आ, अच्छा जी तो ये यहाँ पर ना मैं आमिना के आपको कुछ कपड़े दिखाऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको पता है बच्चों के कपड़े कितने महंगे होते हैं तो ये मैं क्या करती हूँ ना आमिना के थोड़े कपड़े स्टिच करवा लेती हूँ ये पिंट्रस्ट वगैरह से फर्स्ट क्राई पे से मैं कपड़े मंगवाती हूँ तो उस पर से ही फ्रॉक्स की कुछ डिज़ाइन निकाल लेती हूँ मुझे जो भी पसंद आते हैं और सेम उसे मैं कपड़ा लेकर आती हूँ फैब्रिक लेकर आती हूँ और उसे स्टिच करवा लेती हूँ तो इतना आधे दाम में ना मुझे ये कपड़े हो जाते हैं इतने सस्ते पड़ते हैं और जब ये एक एक फ़्रॉक लेने जाए ना तो सात सौ रुपए के आठ सौ रुपए के और जब इस तरह से आप स्टिच करवाते हो ना तो आपको इतने सस्ते पड़ते हैं ये तो ये कुछ फ्रॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ इनफैक्ट मैंने डेनिम का कपड़ा लेकर उसकी जीन्स पैंट वगैरह भी सिलाई है तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तो लोकल टेलर्स अवेलेबल रहते ही आसानी से और उनकी स्टिचिंग फीस भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती है तो 50 परसेंट मैं कह सकती हूँ कि आमिना के जो कपड़े हैं वो स्टिच करवाती हूँ और दूसरे जो है वो मैं रेडीमेड ले लेती हूँ और यहाँ पर आप ये डेनिम का फ्रॉक देख सकते हो कहीं से नहीं लगता कि स्टिच करवाया हुआ है ये मेरा फेवरेट है इसके अंदर छोटे छोटे प्यारे से पॉकेट्स भी है तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी हैबिट्स हम जब अडेप्ट करते हैं तो हमारे बहुत से पैसे बच जाते हैं और ये सारे जो आमिना के प्यारे प्यारे कपड़े हैं वो उसकी फुप्पी स्टिच करती है तो मुझे तो ऐसे कोई स्टिचिंग फी भी नहीं लगती है तो फिर क्यों ना मैं वही करवा लूँ बस फैब्रिक ला दे देती हूँ ना वो इतनी प्यार से सी देती है ये कपड़े को उसे भी बहुत शौक होता है इस तरह से छोटे छोटे आमिना के कपड़े सिलने में तो बस इस तरह से ये आमिना के कपड़े मैं बनवा लेती हूँ अच्छा जी ये जो पैसे बचाने वाली लास्ट और आखिरी टिप है ना ये मेरे दिल से निकलती है मतलब जो मेरी बहनें हैं जिनकी अब शादी होने वाली है तो ये बात आप ध्यान में रख लो बस इसे एडवाइस समझ लो फिर आपको लेना है तो लो वरना आपकी मर्ज़ी ठीक है तो ये जो कपड़े हम लेते हैं शादी के पहले खुशी खुशी में इतनी ज़्यादा बल्क में हम ले लेते हैं और ये पहने नहीं जाते अभी ये देखिए मेरी शादी को हो गए ढाई साल लेकिन आप ये पलंग देख सकते हो ये बेड में इतने सारे मैंने कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी तक मैंने पहने ही नहीं है क्योंकि ऐसी कोई पास की करीब की शादी नहीं हुई जिसमें मैं ये इतने हैवी हैवी सूट पहन सकूँ और जो दूर की शादी उसमें तो ऐसी बात हो जाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो वहाँ पर तो ऐसे हैवी सूट पहन जा नहीं सकते हम तो बस ये पलंग में ही ऐसे पड़े और ओवर टाइम क्या होता है ना आपका टेस्ट चेंज हो जाता है हमें पूरी ज़िंदगी तो एक ही तरह के कपड़े पसंद नहीं आते है। हमारा जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें अलग अलग तरह की पैटर्नस आती है मार्केट में तो हमें उस तरह के कपड़े फिर पसंद आने लगते तो अब मैं नहीं ले पाती हूँ वो कपड़े क्योंकि मेरे इतने सारे कपड़े मेरे पास अभी है जो कि मुझे पहनने हैं जब तक ये मैं ख़त्म नहीं करूंगी तब तक मैं कैसे ले लूँ अलग कपड़े तो अगर मैं कोई कपड़े भी देख लेती हूँ मुझे पसंद आ जाते हैं ना तो मुझे इतना दिल मारना पड़ता है क्योंकि भाई मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा कपड़े हैं और इसके अंदर से ये बड़ा सा पोटला भी मैंने निकाला है गिव अवे करने के लिए ताकि कोई और पहने और ना थोड़ा से वसूल हो जाए पैसे तो ज़रूरत के हिसाब से आप जब शादी होती ना तो कपड़े ले और बाद में तो शादी के बाद फिर आप अपने हस्बैंड से कहोगे तो वो दिला देंगे आपको और फिर अमियाँ तो ऐसे ही देती रहती है ईद आती है और ऐसे ही बस देती रहती है कपड़े तो फिर उस तरह से ना आपके कपड़े कलेक्ट हो ही जाते हैं तो बस शादी के पहले इकट्ठा बल्क में आप कपड़े मत खरीद लेना क्योंकि तो तो इवेंशुअली इन कपड़ों को आपकी जो अलमारी है पलंग है इस तरह से बेड में जैसे मेरे पड़े हुए हैं उसी तरह से पड़े ही रहना है अब बस मैं राह देख रही हूँ कि मेरे ससुराल में मायके में कज़न्स वगैरह की शादी हो तो फिर मैं ये कपड़े पहन सकूँ तो बस जी ये थी आज की वीडियो आई होप आपको ये कुछ बेसिक सी टिप्स अच्छी लगी होगी जो कि मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें स्टे सेफ अल्लाह हाफिज